बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जालिम खुदा की पकड़ में है। एक मर्तबा एक अफसर ने एक शिकारी से जुल्मन एक मछली छीन ली। अभी मछली जिंदा थी। उसने अचानक मुंह खोला और बड़ी तेज़ी से अफसर की उंगली काट ली। वो तबीब के पास गया। उसने कहा, उंगली काट दो। तबीब ने कहा, उंगली काट दो वरना इसका असर आगे बढ़ जाएगा। चुनांचा उसने उंगली कटवा ली, मगर तकलीफ आगे बढ़ गई। तबीब ने कहा, कलाई तक हाथ कटवाओ वरना बाजू के ज़ाया होने का खदशा है। चुनांचा उसने कलाई से हाथ कटवा दिया, लेकिन फिर भी आराम ना हुआ और जहरीले मवाद के असरात आगे बढ़ने लगे। अफसर ने जब ये माजरा देखा तो अफसुर्दगी के आलम में वहाँ से भागने लगा, यहाँ तक के थक कर एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया। लेटते ही उस पर नींद का गलबा तारी हुआ। ख्वाब में आवाज़ सुनी, अगर तू मजीद मुसीबत से बचना चाहता है तो इसी शिकारी के पास जाकर माफ़ी मांग, वरना सेहत नहीं होगी। चुनांचा वो बेदार हुआ, शिकारी के पास गया, उससे माफ़ी तलब की और आइंदा जुल्म से बाज रहने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा किया। फिर तौबा की बरकत से उसका हाथ सही व सालिम हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला कायनात फरमाते हैं, हर नेमत में अल्लाह का एक हक होता है और वो शुक्र नेमत है। जो शख्स उसका हक अदा करेगा वो नेमत को मजीद करेगा, और जो अदाए हक में कोताही करेगा वो जवाले नेमत का ख़तरा मोल लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।